नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। जिला कांग्रेस सरगुजा के द्वारा आज ग्राम पंचायत सरगावा के घंघरी पीएमजी सवाई की सड़क की खराब स्थिति सहित ग्राम घंघरी कंचनपुर बकना तक सड़क निर्माण की स्वीकृति और त्वरित निर्माण कार्य को चालू करने को लेकर प्रतापपुर रोड में घंघरी रोड के समीप सरगावा मंदिर के समक्ष धरना प्रदर्शन कर जल्द से जल्द सड़क का नवीनीकरण करने, मरम्मत कार्य लगातार चलाने की मांग की गई। जिला कांग्रेस कमेटी का आरोप था कि कानून व्यवस्था तो सरकार से संभल नहीं रही, कम से कम सड़क तो जनता को अच्छा दे दें। जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के आह्वान पर काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ आम जन भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस सड़क की जर्जर स्थिति के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है, जिससे आम जन काफी परेशान है। ग्रामीणों की मांग पर हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण, हमारे जोन के संजय सिंह जी और हमारे इस क्षेत्र के युवा सभी साथियों के, माताओं बहनों के साथ, उनके मैसेज पे हम लोगों ने आज ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। सांकेतिक, किसी को तकलीफ मत हो, लेकिन लोग बहुत तकलीफ में हैं। और आज ये देखने को मिलता है कि एम्बुलेंस दो दो पार हो गई। आज देखने को मिल रहा है कि एक डॉक्टर यहाँ पे रोक लिए थे हम, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। रास्ता बहुत ख़राब है। और आप बताइए कि ऑटोमेशन फिटनेस सेंटर यहीं पे है और वहाँ 2 टन से लेकर 20 टन, 50 टन, 40 टन तक की गाड़ियाँ जाती हैं, जबकि ये पीएमजीएसवाई की सड़क है, कैसे वो बनेगा? और अधिकारी लिख के दिए हैं, मैंने 1 महीना पहले जब लेटर दिया था तो अधिकारी लिख के दे रहे हैं कि हम लोग सामंजस्य के तहत सड़क का रिपेयरिंग कर रहे हैं, जब ठेकेदार का एग्रीमेंट पूरा हो चुका है। वो सामंजस्य में कितना बनाएगा? 22 तारीख के दिन के 2 बजे तक बनाएगा। यदि इसमें सही टायरिंग और काम नहीं हुआ तो ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। अभी तो ग्रामीणों को तकलीफ हुआ इस चक्के जाम से, आम लोगों को तकलीफ हुआ। आगे जिला प्रशासन को हम लोग अवगत करा दिए हैं कि हम लोग कार्यालयों का घेराव करेंगे। आपने बताया कि आने वाले समय एनएच का भी जाम, चक्का जाम करेंगे। एनएच कार्यालय का हम लोग घेराव करेंगे। बहुत रामानुजगंज रोड खराब है। आप भी जाते होंगे राजपुर की तरफ, आप जाते होंगे प्रतापपुर की तरफ, तो इन रोडों को आप मेन रोड तो देखेंगे, तो इन रोडों में स्थिति बहुत दयनीय है, जिस पर रिपेयरिंग मेंटेनेंस मांग रहा है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, डबल इंजन की सरकार वाले लोग, न तो इनसे ये निर्माण कार्य बन पा रहे हैं, न इन लोग कहीं ना कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर को संभाल पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमें एक जवाबदार विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं, उसी के लिए हम सब लोग समय दिया गया। हमने तो एक ये कहा है कि काम बंद नहीं होना चाहिए। अभी आपने काम कल से चालू किया, ये काम निरंतरता पे रहे और काम कंप्लीट हो जाए, पहली बात। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि एनएच की सड़कों के ऊपर भी काम हो, नहीं तो हम लोग कार्यालय का घेराव करेंगे। पीएमजी सवाई के अधिकारियों ने कहा कि यह सड़क 2010 में बनी थी और बनाने का जो मापदंड था उसके अनुसार यदि देखा जाए तो तय मापदंड से काफी भारी गाड़ी इस सड़क से होकर गुजरती है, जिसके कारण यह सड़क खराब हो गई है। इन सब के बावजूद कई बार सड़क का मरम्मत कराया गया है और एक बार फिर से मरम्मत हो रहा है। सरकार को नवीनीकरण का प्रस्ताव गया है, जैसे ही स्वीकृति मिलेगी एवं बजट का आवंटन होगा, नवीनीकरण का कार्य भी किया जाएगा। अंबिकापुर कोरता से लेकर रुकपुर लंबाई है 5.1 किलोमीटर। ये सड़क में जो है, ये 2010 में ये सड़क बनाई थी, नई सड़क बनाई थी। उसके बाद में 2018 में इसका नवीनीकरण कार्य भी किया गया। नवीनीकरण कार्य करने के बाद इसमें जो है हमारी जो सड़क है उसमें जो सड़क हमारी 8 से 12 टन के लिए डिज़ाइन हुई थी। अभी क्या हुआ, इसमें 20-20, 40-40 टन के हाईवा चलने के कारण ये रोड ख़राब हुई। चूँकि हमारा गाइडलाइन हमारी 8 से 12 टन के लिए है और प्रधानमंत्री सड़क योजना की नींव इसलिए डली थी, ये गाँव की रोड थी, गांव में सिर्फ ट्रैक्टर गाड़ियां चलती हैं, उसी के लिए डिज़ाइन हुई है। ये सड़क जो है ना हाईवा के लिए डिज़ाइन नहीं हुई थी। चूँकि ये हाईवा चल गया, उधर की रोड कोई ख़राब हो गई, वहाँ से पूरे हाईवा इधर आने लगे, तो ये रोड पूरी ख़राब हुई। रोड ख़राब होने के बाद मेरे द्वारा 3 बार मरम्मत करवाया गया। अभी 2 दिन पहले भी मैंने मरम्मत शुरू करवाया है इसमें। तो मरम्मत होने के पश्चात ये जो है, चूँकि अब जो है
इसका सेंक्शन के लिए शासन को भेजा गया है। इसका इस्टीमेट है चार करोड़ का। इसको अपने पुनः नवीनीकरण के लिए भेजा गया है और 6 साल के बाद जो सड़कें नवीनीकरण होती है वो नवीनीकरण हो जाएगी। अभी जैसी सेंक्शन होगा इसका टेंडर होगा नवीनीकरण शुरू हो जाएगा। हमने अंबिकापुर जिले सरगुजा जिले में अधिकांश लगभग हमने 90% रोड का नवीनीकरण करा चुके हैं। इसके पहले भी हमने लुंड्रा है, मैनपाट है, अंबिकापुर है, उदयपुर है, ये सब रोड पूरी पंचायत की पूरी प्रधानमंत्री सड़क योजना की रोडों का हमने मरम्मत करवाया। सर एक बात है, यहाँ फिटनेस सेंटर है। हाँ, इसी रोड से जाएंगे तो कहाँ आपकी रोड? बस वही दिक्कत तो वही है सर, फिटनेस सेंटर करिए। हाँ, उसकी अब क्या है ना कि ये चीज़ें जो है ना ये यही चीज़ें होती है, इसमें ग्राम पंचायत भी सहभागी है, क्योंकि ग्राम पंचायत को लेकर के हमारे द्वारा रोड बनाई जाती है, उनके द्वारा प्रस्ताव लेने के बाद ही रोड बनाई जाती है, तो ये संयुक्त जिम्मेदारी है।